हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह रथ यात्रा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने समारोहों के उपलक्ष्य में आयोजित की जानी है। यह निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर 50 और आउटडोर अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कोविड-19 के टीकाकरण और जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों से संपर्क रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सलाह दी जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों पर लोगों की स्क्रीनिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे, वो निर्णय फिलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। दूसरा निर्णय, शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये दो निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। एक दो दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तीसरे उसके बाद फिर जो हमारे धार्मिक इसमें जो है पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे, जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे।